कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीजू कितना वेट करे पता है? अच्छा, मैं लेती हूँ नंदी। अरे तू रहने दे। अरे चलो चलो चलो। नमस्ते बेटा, कैसी हो? जीती रहो जीती रहो। और कोई तकलीफ तो नहीं हुई ट्रैवल में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा रिया मुझे बता, कभी नाश्ते में क्या खाएगी? मीनाक्षी बेटिया सिर्फ पूछती रहोगी या फिर कुछ खिलाओगी भी इसे? अरे बेटा जाके तुम फ्रेश हो लो और मीनाक्षी बेटा खाना लगा दो, भूख तो मुझे भी लगी है। कितना उत्साह था इस परिवार में। मीनाक्षी ये जानकर बेहद खुश थी कि उसकी बहन रिया उसकी ससुराल में उसके साथ रहने आ रही है। लेकिन एक खौफनाक हादसे ने इस परिवार की खुशियों में जहर घोल दिया। जब रिया ने अपनी बहन के यहां कदम रखा था उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके यहां आने के बाद सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रिया और कितना टाइम लगाएगी तू? रिया दरवाजा खोलो। रिया जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ दीदी बस हो गया, I'm ready। जल्दी करो बाबा, चलो। अरे जीजू जल्दी कीजिए नहीं तो दीदी चिल्लाएंगे। ऐसे जाओगी तुम इन कपड़ों में? हाँ इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? देखो अपनी बहन को, अगर पापा ने इसे इन कपड़ों में देख लिया तो खैर नहीं, तुम तो जानती हो पापा को। एक मिनट तुम तो यही रुको। अब जल्दी करो दीदी। अब तो ठीक है, अब जल्दी चलो वरना पापा गुस्सा हो जाए। चलो ओके बाबा चलो। हाँ बीना अभी अभी आई है, धीरे धीरे सब सीख लेगी ना। अरे भाई तुम लोग जल्दी करो, अरे पिक्चर छूट जाएगा। कमाल करते हो तुम लोग भी, कपड़े बदलने में इतनी देर। अरे पता भी है ट्रेलर छूट जाएगा, समझा करो। चल ये कह रही है, बाहर इतनी गर्मी है और तुमने शॉल ओढ़ रखा है। अरे इसे उतार के निकाल दो पापा। अच्छा तो तुमने बोला होगा है ना, देखो इतनी अच्छी ड्रेस है, शॉल की क्या जरूरत है? पापा आपको तो पता ही है थिएटर में कैसे कैसे लोग आते हैं। तो अरे भाई क्या उनके डर से ये कपड़े नहीं पहनेगी? हाँ इतनी अच्छी ड्रेस है वो। अरे वैसे भी फिर हम लोग तो है ना, किसी की मजाल इसकी तरह आंख भी उठा ले। क्यों विकी? अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, देर हो रहा है, चलो चलो चलो। विकी तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हारी भी टिकट बुक है, चलो। भाभी एक्चुअली घर पे थोड़ा काम है, आप लोग जाइए ना प्लीज। अरे चलना सबके साथ। भैया प्लीज आज नहीं प्लीज। ठीक है भाई चलो। अरे भाई देर हो रहा है, चलो चलो, वैसे ही बहुत समय निकल गया। आओ आओ चलो चलो चल भाई। अरे तुम यहाँ? अच्छा हुआ चलो। आज मुझे तुझसे कुछ बात करनी है और वो भी किसी के कहने पर। बेटे विकी के माँ के चले जाने के बाद ये घर बिल्कुल सुना सुना सा हो गया था, फिर तुम्हारी बहन इस घर पे आई, उसने हमारी जिंदगी के साथ साथ पूरे घर को संभाल लिया। और सच तो ये है बेटे कि तुम भी हमें बहुत पसंद हो और खासकर विकी को, इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर तुम
इस घर पे आ जाओ तो। लेकिन अंकल मेरी पढ़ाई, मैं कैसे? कोई बात नहीं बेटी, मैं समझ गया, मैं बाद में बात करता हूं। अरे हाँ, आज तो तुम्हारी ग्रुप स्टडीज थी ना? जी अंकल। तो फिर तुम तैयारी क्यों नहीं कर रही? कम ऑन, जाओ जाओ जाओ, तैयारी करो। जी। सो रही है रिया। रिया उठ, ये क्या अब तक सो रही है तू? चल उठ जल्दी। और ये क्या है, तूने अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं किया। उठ रिया, चल उठ, चल आ जा। उफ, दीदी तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। रिया चल जल्दी से कपड़े चेंज कर, नीचे आ जा, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। ओके जा रही हूँ ना, अभी तक सो रही है, घर में कितने काम पड़े हुए। क्या पिकनिक 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 हर दिन सुनता हूँ तुम लोगों के मुंह पे, ये कहाँ जाना है पहले वो तो तय करो। वो तो बात की बात है पापा जी, पहले डेट तो फिक्स कर ले। हाँ ये भी बात सही है। अरे ओ साहब जादे भाई, आपकी भाभी कुछ बता रही है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, उनकी मदद कीजिए। श्योर पापा, आई डू इट। बहू वो तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? पता नहीं बहुत देर से ना आ रही है, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। हाँ। रिया, रिया टॉनिक, रिया रिया बेटा दरवाजा खोलो, और कितना टाइम लगाएगी तू? रिया रिया दीदी क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ तुझे? रिया क्यों रो रही हो? बताओ क्यों रो रही हो? बताओ क्यों? ये क्या हुआ है रिया? रिया तू बता क्या क्या हुआ है? निकी ने मेरे साथ क्यों? Oh.
रौनक रौनक क्या हुआ रौनक? जिया कह रही थी कि कल रात विकी नहीं उसके साथ। क्या क्या मतलब? उसने रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या कह रही है ये? वो कल रात। बस बस, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। अगर मेरा भाई पसंद नहीं है तुम्हें तो बोल दो, ये फालतू के इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जीजू? मैं कैसे? रौनक, ये आप क्या बोल रहे हो? ये ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? पूछो अपनी बहन से, कल रात को कहाँ गई थी? शर्मा जी मिले थे मुझे कल, बता रहे थे कि ये और उनकी बेटी पता नहीं कौन सी ग्रुप स्टडी के लिए जाती है। रिया, कल रात कहाँ थी तू? सच बता। मगर मैं इतनी बड़ी बात को लेकर कैसे झूठ बोल सकती हूँ जीजू? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता आपका भाई मुझे कैसे कैसे तंग करता है। कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो वो आया था मेरे कमरे में और उसने मेरे साथ। रिया, तो उस वक्त हमें क्यों नहीं बुलाया? अगर हम लोगों को आवाज दे रही थी तो हम आ जाते। मगर एक मिनट दीदी, कल रात सोने से पहले अंधेरे में मैंने एक ग्लास से पानी पिया था, शायद उसने उसी में कुछ मिलाया होगा। तुम रुको दीदी। ये क्या बोल रही है? ये देखो दीदी, देखो रौनक, इस ग्लास में सफेद पाउडर है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्या चल रहा है भाई? हाँ, क्या हो रहा है? अरे फिर से शुरू हो गए पति पत्नी के बीच। और ये क्या, क्यों रुला रहे हो बच्ची को? बताओ ही पापा को, अब चुप क्यों हो? बताओ कि मेरी बहन झूठ बोल रही है, बताओ ना। अरे क्या बात है, कोई मुझे बताएगा भी? क्या बात है, क्या बात है बेटे? विकी, तुमने रिया के साथ क्या किया? क्या कल रात तूने रिया के साथ कुछ गलत किया? नहीं पापा, ये सब रिया ने आपसे कहा। मैंने जो पूछा सिर्फ उसका हाँ या ना मैं जवाब दो। ऑफ कोर्स नॉट पापा, उस लड़की के मुंह कौन लगेगा? और वैसे भी कल रात को तुम्हें जल्दी सो गया था, मैं भी उससे बात करता हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाके बात करता हूँ। मैंने उससे पूछा, उसने कुछ नहीं किया। अंकल, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं अपने बेटे को 23 साल से जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि उसने कुछ नहीं किया। चल। अपने घर से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या होगी, जहां रिया खुद को सबसे ज्यादा महफूज सोचती थी, वहीं उसके साथ इतना भयानक अपराध हुआ। और तो और, इस गुनाह को अंजाम देने वाला अपराधी इसी घर में इन सब के बीच मौजूद था, लेकिन उस गुनाहगार का पता लगाने के बजाय घर वाले आपस में लड़ रहे थे और इस झगड़े से सबसे ज्यादा ठेस पहुंच रही थी इन दोनों बहनों को। एक तरफ थी बेचारी रिया, जो इतने भयानक हादसे से गुजर चुकी थी, और दूसरी तरफ थी मीनाक्षी, जो जानती थी कि अपराधी उसके ससुराल वालों में से ही कोई है। आखिर किसने किया ये रिया के साथ? क्या रिया और मीनाक्षी इस अपराधी का पता लगा पाएंगी, उसे सजा दिलवा पाएंगी? क्या अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मीनाक्षी अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? फैसला आसान नहीं था। एक काम कीजिए, आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए। जी जी, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। ओके।
ठीक है ठीक है। डॉडक मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। पागल हो गई हूँ? घर की बातें बाहर। देखो बेटी, मैं तुम्हारे पिता समान हूं। विनती करता हूं तुमसे, प्लीज। देखो ये सिर्फ तुम्हारी और विक्की की जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि साथ ही साथ तुम्हारे जीजू और तुम्हारी दीदी की जिंदगी का भी सवाल है। एक परिवार की खुशियों का सवाल है बेटे। अगर एक बार भरोसा टूट गया था तो ये परिवार बिखर जाएगा बेटे। तुम क्या चाहती हो कि मैं उस रिया पर भरोसा करूं, उस पर जो रात रात भर बाहर पार्टी करती रहती है? तुम्हें क्या पता ग्रुप स्टडीज के बहाने वो क्या करती है? रौनक मुझे बताओ, रिया के शरीर पे जो निशान है वो भी झूठे हैं? हो सकता है वो निशान उसने खुद बनाए हो। पार्टी में उसके साथ कुछ हुआ होगा और उसका बदला वो मेरे भाई से लेना चाहती हो। नहीं, रिया को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, रिया ऐसा नहीं कर सकती। मीनाक्षी, मीनाक्षी, रिया, मीनाक्षी, समझ रही हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी मेरी बात सुनो, मीनाक्षी रुक जाओ, मीनाक्षी। रिया, हाँ? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मुझे कहीं नहीं जाना तेरे, मैंने कहा ना तेरे से मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। रिया, 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 रिया क्या हुआ तुझे? रिया मेरी बात सुनेगी? रिया क्या बता पहले। दीदी आपकी शादी को बस 5 ही महीने हुए हैं और ये सबसे सब कुछ बिगड़ जाएगा। और जीजू, जीजू की क्या गलती है दीदी? हम उन्हें क्यों सजा दें? पागल ये क्या कह रही है तू? ऐसा कुछ नहीं होगा, रोना बंद कर दे। मुझे कहीं नहीं जाना दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना। I've decided, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है दीदी, मुझे घर में। चुप हो जा, चुप, रो मत, ठीक है? हाँ, पागल हो गई है, चुप, चुप। यही होता है और सिर्फ मीनाक्षी और रिया के साथ नहीं बल्कि देश भर में होता है। देश की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि महिलाओं का आवाज उठाना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ तकरीबन हर 2 मिनटों में किसी औरत के साथ कोई जुर्म होता है या उस पर कोई अत्याचार किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद उस अपराधी को पकड़ने के बजाय लोग पीड़ित महिला पर दबाव बनाते हैं ताकि वो खामोश हो जाए, और कई बार तो उंगली भी उल्टे पीड़ित महिला पर ही उठाई जाती है। बेमतलब के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, इतनी देर रात तक घर से बाहर क्यों रही। इन घिनौने जुल्मों का सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक औरतें इनके खिलाफ बुलंद आवाज नहीं उठाएंगी, जैसे कि यहां मीनाक्षी कर रही थी। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन ऐन मौके पर रिया जैसे टूट सी गई, और यही तो मीनाक्षी के ससुराल वाले चाहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यहां यह थी कि वो गुनहगार उसी छत के नीचे इन्हीं लोगों के बीच रह रहा था। क्या रिया कभी इस सदमे से उबर पाएगी? इस हादसे को कभी भी भुला पाएगी वो? Thank you.
भैया पुलिस स्टेशन चलिए। अरे दीदी पुलिस स्टेशन क्यों? नहीं भैया चुप। पापा के जाने के बाद बचपन से तेरा ख्याल मैंने रखा है बेटा, और अभी भी तेरा ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी उस कमेटी को सजा दिलाना तेरे। हाँ हमने थोड़ी देर कर दी है, लेकिन अभी भी तुम्हारे साथ गलत करने वाले कौन सजा दिला सकते हैं? भैया अब पुलिस स्टेशन चलिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे मामलों में आप लोग इतनी देर कैसे कर देते हैं। ऐसे अपराध को साबित करना वो भी 3 दिन बाद कितना मुश्किल है, कुछ अंदाजा भी है आपको? खैर अब जाइए वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखा दीजिए। तू देख लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इंस्पेक्टर साहब ये भी लिख लीजिए, द ग्रेट गुप्तास फैमिली सीक्रेट, ये लड़का ड्रग एडिक्ट रह चुका है, ऐसा एडिक्ट जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चला। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरी बहन को जो ड्रग दिया गया है ये इसी का ड्रग है। मैं आपको भाभी मानता था, काश मुझे आपकी असलियत पता होती। अब तो आपसे भैया निपटेंगे। ए, वो बंद कर, हवलदार लेके जाए इसको। देखिए मेडिकल टेस्ट तो हम करेंगे ही, मगर अब सारी उम्मीद इसके कन्फेशन पे डिपेंड करती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन पापा घर की बातें इस तरह से बाहर। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है, उसको मैं देखता हूं। चाहिए मीनाक्षी तुम रौनक पाप जाने दो उसे, बहू तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, हां लेकिन जहां जा रही हो उसका पता जरूर देते जाना, ताकि मैं तुम्हारा सामान वहां भिजवा सकूं। मीनाक्षी रुको, तुम्हें ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। चल बेटे। अच्छा कपड़े नहीं आ जाते, आप मेरे ही कपड़े पहन लो, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। वैसे शादी के बाद तो आपने वेट भी पुट ऑन कर लिया है। पगली ऐसा कुछ नहीं है। चल तो फ्रेश हो जा। जी सर, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, मैं पर्सनली देख रही हूँ सर। या आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। जी सर। मैडम आपने हमें बुलाया? एक्सक्यूज मी सर। जी सर हो जाएगा सर, पक्का हो जाएगा जी। हाँ तो मिस रिया, आपने अपनी कंप्लेन में लिखवाया है कि उस दिन उस आदमी ने आपका हाथ कस के पकड़ा हुआ था, है ना? तो ये बताओ कि उसने हाथ कस के पकड़ा था और वो खुद कहाँ था, मतलब आपके ऊपर राइट साइड में था?
या लेफ्ट साइड में? अच्छा खैर ये जाने दो, ये बताओ कि उसने सबसे पहले तुम्हें छुआ कहाँ था? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप मेरी बहन को टॉर्चर कर रही हैं। मीनाक्षी, चार्ज शीट फाइल करने के लिए हमें उस लड़के विकी का कन्फेशन चाहिए। उस लड़के ने अब तक अपनी जुबान नहीं खोली है। आप चाहती है ना कि उसको सजा मिले, तो हमें अपना काम करने दो। ओके, जाओ जाकर बाहर इंतजार करो। हाँ तो मिस रिया, हम कहाँ थे? विस्तार से समझाओ ना मुझे, मतलब उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, उस आदमी ने कैसे कैसे किया था सब। हेलो मैम, मैडम ने आपको बुलाया है। हवलदार, विकी को बाहर निकालो। क्या हुआ रिया? दीदी, इंस्पेक्टर। यस, आपने इसे ऐसे कैसे छोड़ दिया? क्योंकि ये बेगुनाह है, तुम्हारी बहन की तरह नहीं है। और हाँ, अब हम सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे डिवोर्स लॉयर के साथ। चलो विकी। इंस्पेक्टर जी, आपने इसे क्यों छोड़ दिया? मीनाक्षी, आपकी बहन के बयान पर छोड़ा है हमने उसे। बहुत पूछताछ करने के बाद रिया ने हमें बताया कि जिस आदमी ने इसके साथ गलत किया है उसकी पीठ पर तीन तीन के निशान हैं। विकी को चेक किया गया, उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं, तो क्या करते? दीदी, आप समझती क्यों नहीं हो? मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा दीदी। हम लोग प्लीज यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी यहाँ तो पुलिस भी हमारे बातों पर यकीन नहीं करती। रिया बेटा, मुझे सच बता कि पक्का उस दिन पार्टी में तेरे साथ कुछ नहीं हुआ था ना? मतलब तू सच में उस पार्टी से पीकर नहीं आई थी ना? I'll prove it to you, Didi. I'll prove it to you कि मैं झूठ नहीं बोल रही। चलो फ्रेश हो जा। एक मैडम, मैनेजर जी आपको नीचे बुला रहे हैं। जी तो यही रुक, मैं अभी आई। जी चलिए। रिया, रिया, ये लड़की भी ना सच्ची में। रिया, अभी हमें निकलना होगा। रिया, रिया दरवाजा खोल। रिया दरवाजा खोलो। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आखिरकार रिया को अपनी जान देनी पड़ी, और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार सिर्फ वो अपराधी नहीं है बल्कि हम, आप, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार है। क्योंकि जाने अनजाने हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन चुके हैं जो पीड़ित महिला से हमदर्दी रखने के बजाय उससे घृणा करता है। यहां मीनाक्षी अपनी बहन की लड़ाई में पूरी मजबूती से उसका साथ दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी तो रिया पर शक किया था। लिहाजा आखिरकार रिया को अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। ऐसे ही हालात होते हैं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों अपराध आज भी दर्ज नहीं किए जाते। क्या यह सब देखकर आपका खून नहीं खौलता है?
मीनाक्षी को तो इस घटना ने मानो जीता जागता पत्थर बना दिया था। क्या मीनाक्षी कभी खुद को माफ कर पाएगी? क्या कभी अपनी बहन को इंसाफ दिला पाएगी? वो नहीं, रौनक के बीच पे दिले और नहीं विकी के, तो फिर किसने जिया के साथ? ओह गॉड, अब तो खुश है ना तू? हाँ देखो विकी, मैं तुम्हें शोरूम तो खोल के दे रहा हूं, मगर उसे चलाना तुम्हें पड़ेगा बेटा। याद रखना, इसमें कोई गलतियां मत करना। डोंट वरी पापा, ट्रस्ट मी, सब ठीक जाएगा। गुड। रौनक मुझे माफ कर दो प्लीज, ये मेरा परिवार है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? प्लीज, मुझसे गलती हो चुकी है, मैं आप लोग को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? रिया भी तो नहीं है। पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सब लोगों का भरोसा तोड़ा है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी झूठी निकलेगी। उसने मुझसे अपनी सगी बहन से झूठ बोला, और जब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसने सुसाइड कर लिया। इट्स ओके मीनाक्षी, गलतियां हम सबसे होती है। जो बीत गया सो बीत गया। देखो आज खुशी का दिन है, एक तो विकी का टीवी का शोरूम खुल गया, और दूसरी हमारी बहू भी घर वापस आ गई, है ना? लेट्स एंजॉय। तुम लोग बातें करो, विकी तुमसे कुछ बात करनी है। चले बाबा। मैं ये कह रहा था कि प्लीज रौनक मुझे माफ कर दो। दुकान की सफाई करनी है। हाँ देती हूँ। सुन, मुझे एक बात बता, ये दुकान अचानक से कैसे शुरू हो गई? पता नहीं, बड़े साहब तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि विक्की बाबा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर अचानक से जब विक्की बाबा जेल से घर आए तो सीधा बड़े साहब के कमरे में गए। भगवान जाने उस दिन विक्की बाबा ने बड़े साहब से क्या बोला, वो सीधा कमरे से निकले और बैंक गए और एक दुकान खरीद ली। अब भगवान जाने ये दुकान टिक भी पाएगी कि नहीं। हाँ ठीक है, तो जा मैं आती हूँ। देवर जी, दुकान पे जाने से पहले चाय तो पी लीजिए, आजकल आप तो इतने बिजी रहते हैं कि ढंग से बैठकर बात करने की भी फुर्सत नहीं आपके पास। वो क्या है ना भाभी, नया बिजनेस है और दुकान पे नया माल भी आने वाला है, और मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज मैं भी निकलता हूँ। वैसे भी आपको आने में देर हो जाएगी ना, पुलिस स्टेशन जो जाना है। क्या पुलिस स्टेशन? क्यों भाभी? ये सब तो विकी है मेरे साथ। ये क्या मजाक है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। पुलिस को तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना, कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी? तो आप भी अपनी बहन की तरह मुझे इस झूठे केस में फंसाना चाहती हैं, लेकिन इस बार भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके पास इस बार भी कोई प्रूफ नहीं है और मैं बच जाऊंगा। मैं जानती हूँ देवर जी, मगर इतनी तैयारी तो मैंने भी की है। पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी, तुम टॉर्चर जरूर करेगी।
बताइए देवर जी कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो आप उतना मार उतना टॉर्चर सह पाएंगे? भाभी मैंने आपकी बहन को हाथ तक नहीं लगाया, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बहन के साथ गलत जिसने किया वो कौन है। बस मुझे तुमसे इतना जानना है कि रातों रात वो तिल कैसे गायब हुआ, बताओ मुझे, बस इतना बताओ कि इतने सालों से जो तुम बिजनेस के लिए पैसों के लिए भीख मांगते फिर रहे थे, अचानक से इतने पैसों की मेहरबानी कैसे हुई तुम पे? बताओ विकी, उसे बुद्ध की तरह खड़े मत रहो। उस रात जब मैं जेल से आया तो सीधा पापा के रूम में गया। अरे विकी तू वापस आ गया, मैं ये खुशखबरी रौनक को सुना क्या था? ये तो वो आप ही है ना, बचपन से वो तीन तिल आपकी पीठ पर देखकर बड़ा हुआ हूं मैं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप ये क्या बकवास किया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ कुड यू पापा, हाउ कुड यू, और इसीलिए आप चाहते थे कि मेरी शादी रिया से हो जाए और वो इस घर में आ सके। हाँ बेटे तू ठीक कह रहा है, मुझसे गलती हुई है बेटे, लेकिन बेटे मैं क्या करता, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो कुछ पैसों के लिए तुम बिक गए है ना? भाभी आप नहीं जानती कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही थी और ये बिजनेस ही मेरे लिए सब कुछ था। अच्छा तुम्हारे लिए बिजनेस ही सब कुछ था, एक इंसान की जान कुछ भी नहीं, और वो भी उस लड़की की जिसे तुम प्यार का दावा करते थे। प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? चुपचाप बैठे थे, सब कुछ जानते हुए भी इसी खामोशी में रिया की जान ली है, समझे? फिर भी अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, पुलिस को सब सच बता दो। क्या हो रहा है ये? तुम इसलिए वापस आई हो ताकि मेरे भाई को फिर से फंसा सको? भैया मैं आपको सब समझाता हूँ, एक्चुअली सब कुछ जो भी हुआ ये सब पापा का किया कराया, उसमें ना ही हमारी कोई गलती है ना ही भाभी की, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने गिरे हो सकते हैं। अब आप जाइए भाभी के पास और उन्हें समझाइए इस बारे में। I'm so sorry. आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? क्या बात है? अविनाश तुम्हारा नाम है जी? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास, चलो। क्या गिरफ्तारी? पर किस लिए? अरे बेटा रौनक देख ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, गिरफ्तारी? बेटा तू ही कुछ कर, समझा इनको। मैंने बुलाया इन्हें। तूने बुलाया ऐसे? ओ अच्छा तो तू भी इसकी बातों में आ गया ना, मैं कहता हूं रौनक इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकल, ये मनहूस कभी नहीं सुधरेगी। जी शर्म नहीं आई आपको? आपके बेटी जैसी थी वो, आपने उसे मार दिया। बचपन से हमें बाप का प्यार नहीं मिला, सोचा आप ही हमारे पापा हैं, लेकिन नहीं, हम गलत थे, गलत। आप एक घटिया इंसान है, घटिया इंसान। बकवास बंद कर। रौनक ये झूठ बोल रही है, इसने झूठ से तेरे दिमाग को भर दिया है। बेटे मैंने कुछ नहीं किया। देख बेटे मेरी बात सुन, मैं तेरा बाप हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बेटे ये तो समझा कर, तुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया मैंने, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। बेटे तेरी मां नहीं थी,
मैंने तुझे बड़ा किया, इस काबिल बनाया, और तू आज अपनी बीवी की बातों पे आ गया। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाइए इन्हें। अविनाश बंद कर अपना ड्रामा। रिया के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करते हैं हम। चल हवलदार लेके चलो। रौनक, इसने तेरे दिमाग में मनगढ़ंत बातें डाल दिए। याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मैं वापस आऊंगा, मैं देखना, मैं जरूर बताऊंगा। रिया ने अविनाश को अपने पिता समान समझा था, लेकिन अविनाश जैसा आदमी तो शायद इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अविनाश इस हद तक गिर सकता है, इतनी घटिया और घिनौनी हरकत कर सकता है। ऐसी हरकत जिसकी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली। मैं सलाम करता हूँ मीनाक्षी, जिसने अपने पति के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, पूरे परिवार से दुश्मनी मोल ली, लेकिन अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर दी। मीनाक्षी के जीवन में रिया की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसे कम से कम इस बात का संतोष तो रहेगा कि रिया का गुनहगार आज सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। और यह सब कुछ संभव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मीनाक्षी ने अंत तक हार नहीं मानी। उम्मीद करता हूं कि हम सब भी इसी जज्बे के साथ अन्याय का सामना करें, फिर गुनहगार कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान।